नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा दसवीं हिंदी लोक भारती इसकी इकाई दूसरी से अंतिम कविता, कविता नंबर 11 समता की ओर, यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या वाला वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। आइए, आपके पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 98 पर यह स्वाध्याय दिया हुआ है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, और इसमें हमें पहला प्रश्न मिला है शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। अब जो शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन प्रकृति में क्या किस प्रकार के थे और धरती में किस प्रकार के थे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो शिशिर ऋतु यानी शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन प्रकृति में हुए, वो प्रकृति कांति रहित हो गई, यानी यहाँ पर हमारा ये जो पहला आंसर है प्रकृति कांति रहित हो गई, ठीक है। दूसरा आंसर हमारा है धरती पर कुंजटिका छाई हुई है, इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, धनी लोगों की जीवन शैली और दीन दरिद्र लोगों की जीवन शैली। तो इस तरह से हम देखते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं धनी लोग, दूसरा वे रंगीन कीमती शॉल ओढ़ते हैं, तीसरा ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। ये सब क्या है, धनी लोगों की जीवन शैली है, और दीन दरिद्रों की जीवन शैली होती है उन्हें सूखी रोटी भाजी भी नहीं मिलती खाने, इनके कंपित शरीर पर रोज पाले गिरते हैं, कंपित शरीर यानी थरथराते हुए ठंड से कांपते हुए शरीर पर पाले, पाले यानी जो बर्फ़ के समान बारीक बारीक बर्फ के समान जो बारिश होती है उसे कहा जाता है ना, बर्फीली बारिश। इनके घर टूटे फूटे और सदा उदासी लिए हुए होते हैं, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि तालिका पूर्ण कीजिए, और तालिका पूर्ण कीजिए में हमें दिया है ऋतुएँ वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर, इसके अंग्रेजी माह हमें लिखना है और हिंदी माह यानी हिंदी में उन महीनों को क्या कहा जाता है, उनके नाम क्या है ये बताना है। तो हम देखते हैं वसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल का महीना, और हिंदी माह में होता है चैत्र और बैसाख का महीना। वैसे ही ग्रीष्म ऋतु वो होती है मई जून का महीना, और हिंदी में होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, अंग्रेजी माह हिंदी माह श्रावण भाद्रपद। शरद ऋतु अंग्रेजी माह सितंबर अक्टूबर, हिंदी माह अश्विन कार्तिक। जबकि हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर अंग्रेजी माह में, और मार्गशीर्ष और पौष जो है हिंदी माह में। जबकि शिशिर ऋतु जो है वो अंग्रेजी माह में जनवरी फरवरी, और हिंदी माह में माघ और फागुन। इस तरीके से ये जो है आपका तालिका जो है कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य का विश्लेषण कीजिए, पद्य यानी कि कविता, ठीक है। हम देखते हैं क्या है इसके अंदर, पहला पॉइंट दिया रचनाकार, रचनाकार यानी जिसने कविता लिखी है वो कवि। अब रचनाकार की जगह आपको कवि लिखा हुआ भी आ सकता है, तो हम लिखेंगे मुकुटधर पांडे जिन्होंने ये कविता लिखी है। रचना का प्रकार, प्रकार और विधा ये दोनों सेम होते हैं, तो रचना का प्रकार या रचना की विधा आपसे पूछी गई तो ये कविता जो है वो नई कविता के अंतर्गत आती है। कविता के जितने भी प्रकार है उसमें से ये नई कविता के अंतर्गत जो है आती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा पंक्तियों में मुझे ये पंक्तियाँ अच्छी लगी कि पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। इसमें समानता का भाव बताया गया है कि जो धरती माता है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको समान रूप से जो है पालन करती है अपने बच्चों के समान, जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं मानती चाहे कितने भी बच्चे, उसी तरीके से धरती माँ जो है धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को अपने संतान के रूप में देखती है और उनका समान रूप से पालन करती है। अब देखते हैं पसंदीदा पंक्तियां बताई हमने, पसंदीदा होने का कारण देखते हैं हम लोग। पसंदीदा होने का कारण यह है कि यह पंक्तियां मुझे पसंद है क्योंकि, यह पंक्तियां मुझे पसंद है क्योंकि क्योंकि पहले लोग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते थे, इसलिए प्रकृति उनका पालन पोषण समान रूप से करती थी। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति का दोहन इतना ज़्यादा कर दिया है, वनों को काटना, हरियाली को काटना, पेड़ नहीं उगाना, प्रदूषण फैलाना, तो इस तरीके से जो है प्रकृति भी अब रुष्ट होती जा रही है। पहले लोग जो है पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते थे, कोई भी प्राकृतिक संसाधनों के अलावा कोई दूसरे संसाधन हमारे पास में थे नहीं, इसलिए प्रकृति जो है सदैव
फली फुली रहती थी, सदैव हरी भरी रहती थी, और सबका पोषण पालन पोषण यानी सबको संभालने का कार्य, खिलाने पिलाने का कार्य वो जो है समान रूप से करती थी। वह माँ के समान सबको अपने हृदय से बांटने का कार्य करती थी, तब कोई भेदभाव नहीं थे। यानी जैसे माँ के पास किसी बच्चे के लिए कोई भेदभाव नहीं होते, सब बच्चे उसके लिए समान होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के लिए भी सभी समान थे, वो कभी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। पांचवा पॉइंट जो है हमें यहाँ दिया है, रचना से प्राप्त संदेश। तो हमें रचना से क्या प्राप्त होता है संदेश वो देखते हैं। पांचवा पॉइंट है, सभी मनुष्य को पृथ्वी पर समता की भावना से रहना चाहिए। इसमें ये बताया गया है हमें, है ना, क्या बोला गया है कि सभी मनुष्य को जो है समता की भावना से रहना चाहिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी का एक दूसरे पर और प्रकृति पर समान अधिकार होना चाहिए। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसमें दिया हुआ है अंतिम दो पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। तो अंतिम दो पंक्तियाँ कौन सी है इसकी, कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अब इन दो पंक्तियों में क्या अर्थ है, तो हम अर्थ या संदेश जो भी है, जो इसका अर्थ है वही इससे मिलने वाला संदेश है। तो हम देखते हैं जन्म से। अब यहाँ पे जो जन्म है ये इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आप इसको जन्म को ऐसा लिखिए, ठीक है, जन्म से। तो क्योंकि ये जन्म जो है इस तरीके से लिखा जाता है, हाफ न लिखिएगा। जन्म से सभी मनुष्य एक समान होते हैं, बड़ा और छोटा तो बाद में अपनी परिस्थितियों से हम बनते हैं। हम सब आपस में भाई हैं और इसलिए एक भाई का दूसरे भाई पर सदैव अधिकार होगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि ये संदेश हमको मिल रहा है कि हम सब मनुष्य एक समान होते हैं, हमारे अंदर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। ये तो हम समय के साथ साथ जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे परिस्थिति के कारण हम छोटे या बड़े बन जाते हैं। कोई जो है आगे जाकर बहुत प्रगति कर लेता है, बड़ा आदमी बन जाता है, और कोई जो है किसी के नसीब में प्रगति नहीं लिखी रहती, वो छोटा बना रहता है। तो इस तरीके से परिस्थितियाँ उसको छोटा या बड़ा बनाती है। वैसे तो देखा जाए तो पृथ्वी पर हम सब समान रूप से रहते हैं, मनुष्य सब आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, और इसीलिए एक भाई का दूसरे भाई पर अधिकार है। ये यहाँ पर हमने हमें संदेश मिलता है। हमको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। हम लोग देखते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं। तो विश्व बंधुत्व, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है वसुधैव कुटुंबम, जिसे भारत सदियों से मानता चला आया है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी हमें हमेशा कोई भी भाषण देते हैं तो उसमें देश के लिए वसुधैव कुटुंबम इस शब्द का यूज़ ज़रूर करते हैं। वसुधैव कुटुंबम यानी धरती पर रहने वाले हम सब मनुष्य जाति आपस में क्या है, कुटुंब के समान है, बंधु है एक दूसरे के। आज के वैश्वीकरण के युग की यह मांग अनुचित नहीं है। आज क्या है, वैश्वीकरण का युग है, और इसमें इस तरीके की मांग अनुचित नहीं बल्कि ऐसी मांग होना चाहिए, उचित है ये, क्योंकि हम सब आज इंटरनेट के जरिए इस तरीके से एक दूसरे से मिलजुल गए हैं कि अब कोई दूरी हमारे बीच में नहीं रही है। तो वसुधैव कुटुंबम जो कहावत है ये सही सिद्ध होती है। यह नीति व्यापक और उदार नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यह नीति यानी कौन सी, विश्व बंधुत्व की जो नीति है, एक दूसरे के साथ में भाईचारे से रहने की जो नीति है, वह क्या है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यहाँ बात सारे विश्व को अपने भाई बंधु के रूप में देखने की हो रही है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को अपने भाई बंधु के रूप में, भाई के रूप में देखने के बात कर रहे हैं। परंतु वर्तमान में तो युवा पीढ़ी अपने परिवार को तोड़कर छोटे छोटे परिवारों का निर्माण कर रही है। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमसे बात पूछी गई है कि विश्व बंधुत्व यानी जो है विश्व बंधुत्व के ऊपर लिखी है ना। विश्व बंधुत्व आज के समय की जो है मांग है, और हम देखते हैं कि बात हो रही है विश्व बंधुत्व की, जब हम हमारे परिवार ही नहीं संभाल पा रहे आज के समय में, आज की पीढ़ी जो है सिर्फ अपने छोटे छोटे परिवारों को नहीं संभाल पा रही है, ऐसे समय में विश्व बंधुत्व की क्या हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वर्तमान में तो युवा पीढ़ी अपने परिवार को तोड़कर छोटे छोटे परिवारों का निर्माण कर रही है। जब घर में ही यह स्थिति है तो विश्व बंधुता एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। पहले तो हमें अपने घरों और रिश्तों को, परिवार को बचाने की ज़रूरत है। पहले इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। हम अपने घर को न टूटने दें, परिवार को न टूटने दें, और एकता बनाए रखें परिवार के अंदर, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम घर के अंदर 10 से 12 लोगों के साथ में
सबके विचारों के साथ में घुल मिल कर रहना सीख जाएंगे, उनके साथ मिलजुल कर रहना सीख जाएंगे, तभी तो बाहर जाके हम मिलना सीखेंगे। जब मिलजुल के घर में ही नहीं रह पाएंगे तो बाहर क्या मिलेंगे, है ना। आज वैश्वीकरण के कारण सारा संसार एक कंप्यूटर में समा गया है, सारे विश्व के लोग एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ गए हैं, और इसका कारण सभी प्रकार इसी और इस कारण से सभी प्रकार की दूरियाँ कम हो गई है। व्यापार के सभी क्षेत्र विश्व भर में एक दूसरे से अच्छे से जुड़कर अपना कार्य कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना या छोटी बड़ी गतिविधि का प्रभाव आज के समय में संसार के सभी देशों पर पड़ता है। यानी कोई भी घटना अगर कहीं घटित होती है देश संसार के किसी भी कोने में, तो वो आजकल क्या होता है, कुछ ही मिनटों में पूरे विश्व में जो है फैल जाती है, पता पड़ जाती है। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल हम इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए हैं कंप्यूटर के कारण कि दूरियाँ कम हो गई है, और कोई भी घटना जो घटित होती है जो पहले महीनों बाद पता पड़ती थी, वो आजकल जो है मिनटों में पता पड़ने लगी है। तो इस समय जो है गतिविधि के ऊपर इसका प्रभाव तो पड़ा ही है। औद्योगिकीकरण के लिए आज विस्तार का पर्याप्त क्षेत्र या कहे असीमित क्षेत्र उपलब्ध है। यानी हम ऑनलाइन के जरिए पूरी दुनिया में अपना बिजनेस जो है चला सकते हैं, और यह औद्योगिकरण के लिए एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा विस्तार का क्षेत्र हो गया है। अभी जो है बिजनेस या उद्योग धंधे जो है असीमित क्षेत्र उसके लिए उपलब्ध है हमें। यानी कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कार्य नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, किसी इसमें भी हाथ आजमा के देख सकते हैं। परंतु इसी समय हमें आतंकवाद, विनाशकारी अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण, इसको रोकने की आवश्यकता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे विकास की ओर प्रगति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण बढ़ता जा रहा है ना, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी के कारण जो डर है वो ये है कि किसी न किसी दिन दुनिया इसी कारण से समाप्त हो जाएगी, अस्त्र और शस्त्र जो बन रहे हैं उनके कारण समाप्त हो जाएगी। तो आज की स्थिति यह है कि यदि मिलजुल कर न रहा जाए तो कोई कार्य ही नहीं होगा। यानी आज के समय में हमको एक दूसरे से मिलजुल कर पूरे विश्व को रहने की ज़रूरत है, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। और अगर इसमें न रहा जाए तो डर की बात भी रहती है, साथ ही युद्ध आतंकवाद का भय सदा मंडराता रहता है। इसलिए अकेले रहकर अपनी राह पर चलने से तो अच्छा है कि संपूर्ण विश्व के लोग मिलजुल कर बंधुत्व के साथ रहे और एक दूसरे का सहयोग करें, सामान्य और विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दे। यही तो आज विश्व बंधुत्व की मांग है, यही आज विश्व में एक दूसरे के लिए मांग है। तो विद्यार्थियों, समता की ओर यह जो कविता है इसका स्वाध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कहीं कुछ रह गया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने के लिए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न करती हूँ। मैं इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। और देखने के बाद ऐसे ही आगे मत बढ़िए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।